जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्थी हारिणी जय जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। प्यारे भक्तों, माँ आदिशक्ति पराम्बा की कृपा के फल स्वरूप आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि स्त्रियां नारियल को क्यों नहीं तोड़ती, क्या इसका कारण है, क्या विधान है इसका? तो इसी विषय पे हम आपसे आज चर्चा करें। नारियल को श्रीफल के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री नारायण का इस धराधाम पे अवतार हुआ, इस पृथ्वी पे भगवान का पदार्पण हुआ, तो उस समय परमात्मा अपने साथ में, प्रभु अपने साथ में, नारायण अपने साथ में तीन वस्तुओं को लेकर के ही आए थे। सबसे पहले भगवान लक्ष्मी जी को साथ में लाए, दूसरा भगवान कामधेनु को साथ में लाए और तीसरा भगवान नारायण नारियल अर्थात श्रीफल को साथ में लेकर के आए। श्री का अर्थ है लक्ष्मी अर्थात नारियल, लक्ष्मी प्लस विष्णु, श्रीफल में दोनों का स्वरूप समाहित है, लक्ष्मी और विष्णु का स्वरूप समाहित है। नारियल में त्रिदेव का भी वास होता है। आपने देखा होगा नारियल में तीन आंखें बनी होती हैं, उसको त्रिदेव कहते हैं, त्रिदेव का वास होता है। तीन आंखों को त्रिनेत्र के रूप में देखा जाता है। श्रीफल को खाने से शारीरिक दुर्बलताएं दूर होती हैं। इष्ट को नारियल चढ़ाने से धन संबंधी समस्या जो है वो समस्या दूर होती है। तो आइए आज हम प्रयास करें बताने का। और आपको भी सभी लोगों का यही मत होता है कि गुरु जी ये बताइए कि आप किसी भी पूजा में नारियल को फोड़वाते हैं तो पुरुष वर्ग से ही क्यों फोड़वाते हैं, स्त्रियों से क्यों नहीं करवाते? तो उन भक्तों को भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिनको ये बातें पता हैं और जिनको नहीं भी पता हैं, दोनों ही व्यक्तियों को, दोनों ही भक्तों को मैं ये बताने का प्रयास करता हूँ। कोई भी पूजा प्रणाली होती है, इस पूजा प्रणाली में श्रीफल का बलिदान दिया जाता है, श्रीफल को तोड़ा जाता है। अगर श्रीफल के बिना पूजा को अधूरी माना जाता है, औरतें नहीं देती हैं इस कारण से बलि, नारियल को इस कारण से नहीं तोड़ती हैं क्योंकि श्रीफल में बीज होता है, जो नारियल होता है इसमें बीज होता है, इसलिए उसे प्रजनन का कारक भी माना जाता है। और स्त्रियां बीज रूप में शिशु को जन्म देती हैं, इसलिए नारी को बीज रूपी नारियल तोड़ना अशुभ माना जाता है। देवी देवताओं को श्रीफल चढ़ाने के बाद पुरुष ही उसको तोड़ते हैं। हवन आदि के समय जो सूखे नारियल होते हैं वह हवन में रखे जाते हैं, तो पुरुष वर्ग ही उसको हवन के अंदर, जब पूर्णाहुति होती है तो पूर्णाहुति के रूप में उसको अग्नि में डालते हैं, अग्नि में रखते हैं। तो गर्भधारण के समय स्त्रियां जो होती हैं अगर नारियल को ग्रहण करती हैं तो उनको क्या क्या लाभ होता है? एक तो नारियल और मिश्री खाने से शरीर की जो दुर्बलताएं होती वो दूर होती हैं, और दूसरा कारण जो गर्भस्थ शिशु है वह शिशु सुंदर होता है, रूपवान होता है और देखने में सबको मोहित करने वाला होता है, ऐसा सुंदर होता है, जैसे गरी होती ना सफ़ेद। जो माताएं गर्भ के समय नारियल और मिश्री का सेवन करती हैं उनके गर्भस्थ शिशु भी उसी नारियल की तरह सफ़ेद होते हैं, आनंददायक होते हैं। तो नारियल को इस कारण से औरतों को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि उसमें बीज स्वरूप होता है। और बलि दी जाती है तो बलि का विधान होता है कि माताएं बलि नहीं देती हैं, पुरुष वर्ग ही बलि देते हैं, इस कारण से भी नारियल को नहीं तोड़ा जाता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगा।